चुनाव आयोग 15 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इस तैयारी में चुनाव आयोग 11 मार्च को अपने सभी 2000 पर्यवेक्षकों के साथ एक बैठक करेगा। देश भर से आ रहे ये पर्यवेक्षक पुलिस, सिविल और अन्य सेवा से जुड़े हैं। दिल्ली में ब्रीफिंग के बाद लगभग 2000 पर्यवेक्षकों को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में भेजा जाएगा। तो बड़ी खबर, 15 मार्च को चुनाव आयोग कर सकता है तारीखों का ऐलान। 11 मार्च को पर्यवेक्षकों के साथ बैठक है और बैठक के तुरंत बाद चुनाव आयोग 12 और 13 मार्च को जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए श्रीनगर जाएगा। चुनाव की घोषणा से पहले किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आखिरी यात्रा होने की ये संभावना है। तो लोकसभा चुनाव का बिगुल 15 मार्च को बज सकता है। चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। साल 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 15 मार्च को मुमकिन है। इससे पहले 11 मार्च को पर्यवेक्षकों के साथ बैठक करेगा चुनाव आयोग। 12 और 13 मार्च को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालात की समीक्षा की जाएगी चुनाव को लेकर के, और 15 तारीख को तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। चुनाव लोकसभा चुनाव के शेड्यूल का ऐलान किया जा सकता है। तो मुख्य मुकाबला एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन के बीच, और तारीखों का ऐलान हो सकता है 15 मार्च को। इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए की ओर से जहां 400 पार का दावा किया जा रहा है, वहीं आईएनडीआईए की ओर से इस बार परिवर्तन की बात कही जा रही है और तारीखों का ऐलान 15 मार्च को किया जा सकता है। मुकाबला किस किस दिन कहां पर होगा ये 15 मार्च को तय कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। 15 मार्च को चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। 11 मार्च को अलग अलग जगह से पर्यवेक्षक आएंगे, उनके साथ चुनाव आयोग की बैठक होगी। पुलिस, सिविल और अन्य सेवा से जुड़े लोग होंगे इनमें। इन लगभग 2000 पर्यवेक्षकों को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में दिल्ली में ब्रीफिंग के बाद भेजा जाएगा। 12 और 13 मार्च को जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए श्रीनगर जाएगा चुनाव आयोग का एक दल, और 15 मार्च को तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो दोनों ही गठबंधन की ओर से कमर कस ली गई है, और इन सब के बीच चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं और 15 मार्च को उन तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा जिसमें चुनाव कराए जाएंगे। लोकसभा की 543 सीटें, बहुमत का आंकड़ा 272 का मैजिक फिगर माना जाता है, और बीजेपी की ओर से, एनडीए की ओर से 400 पार का दावा किया गया है। वहीं आईएनडीए ने भी अपना कुनबा बना करके एनडीए का विजय रथ रोकने की तैयारी की है, और किन दिनों में होगी चुनावी जंग उसका ऐलान 15 मार्च को किया जा सकता है। जीन